हेलो बच्चों, आज अपन मैं दीप्ति शर्मा आपको आज सामाजिक विज्ञान, आपको इसके पहले भी मैंने बताया बेटा, अब आपका जो सामाजिक विज्ञान है वो चार भागों में विभक्त हो गया है ना। तो पहला इतिहास हो गया है, दूसरे भाग में आपको होगा नागरिक शास्त्र हो गया है, और तीसरे में भूगोल, और चौथा हो गया है अर्थशास्त्र। तो आपने अर्थशास्त्र अध्याय एक पालमपुर की कहानी सुनी, तो उसमें पालमपुर गांव की आर्थिक व्यवस्था के बारे में और उस गांव को कैसे आर्थिक समृद्ध बनाए जाने के लिए और सरकार ने उस गांव को विकसित करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, तो उस गांव में कैसे कृषि की जाती थी, कैसे आधुनिकीकरण हुआ कृषि का, कैसे विकास हुआ, इन सब के बारे में आपको बताया था। पालमपुर की कहानी एक काल्पनिक कहानी थी है ना। तो फिर उस गांव के विकास के लिए क्या किए गए, सरकारी उपाय भी किए गए, वहां पर कृषि कैसे की जाती है ना, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि आधुनिक रूप से वहां कृषि की कैसे की जाती है, संगठन करके वहां पर श्रम कैसे किया जाता है। अब है बेटा कि उस गाँव में, मतलब पालमपुर एक काल्पनिक गाँव में, वहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु क्या सरकारी उपाय किए गए, तो वहाँ पर योजनाएं चलाई गई। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रारंभ में अनेक प्रयास किए, पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई। मतलब गांव में, किसी भी गांव को आप विकसित करने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। सरकार के स्वयं सहायता समूह पंचायती राज स्थापना के माध्यम से विकास कार्यक्रम की जन भागीदारी भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो उसमें उसके लिए सरकारी उपाय किए गए, तो पहला है, पहला सबसे पहले भूमि सुधार। तो गांव में कैसी प्रथा चल रही थी बेटा, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, उन्मूलन, चकबंदी, इन सबको आर्थिक लाभ के लिए, अनार्थिक लाभ पर बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों पर भूमि बहाल करने, हस्तांतरण पर रोक लगाई, सरकारी बंजर भूमि का निर्धारण, अधिकतम सीमा में पूंजी, मतलब जो भूमि होती है उसके भूदान भी से प्राप्त भूमि आदि का विवरण किया गया। तो भूमि सुधार सबसे पहले, सरकार का जो सरकारी उपाय था, सबसे पहले भूमि सुधार की गई उसका। इसमें फसल बीमा योजना तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण बैंकों की मतलब बैंकों में सरकारी बैंकों की स्थापना, जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें सरकारी बैंक की स्थापना करके आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने, काय के लिए, कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराने, फसलों को उचित विक्रय हेतु सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है। तो ये गाँव के आर्थिक व्यवस्था मतलब व्यवस्था के लिए, विकास करने के लिए सबसे पहले सरकार का सबसे प्रथम प्रयास है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के लिए फसलों के लिए उचित विक्रय मूल्य पर सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है, फसलों के भंडारण विपणन हेतु व्यवस्था कराती है, उपलब्ध कराती है। गांव में सड़क नेट से जुड़े केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में 12 मासी सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत भी कई कार्य किए जा रहे हैं। फिर है दूसरा है आवास स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, अस्वस्थ आवासों के स्थान पर ग्रामों में स्वास्थ्य पर हेतु सरकारी मतलब व्यवस्था की गई है। इसमें इंदिरा आवास योजना चलाई गई, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अन्य पहलू पर जीवन के प्रवक्ता लाने में महिलाओं की गरिमा प्रदान करना, स्कूलों की सफाई, मतलब वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर महिलाओं को पूर्ण शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं, स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल, शिक्षण की बुनियादी आवश्यकताएँ जो आज वर्तमान में आवश्यक हैं है ना, तो वो बुनियादी पूरी आवश्यकताएं सरकारी प्रयास द्वारा गाँव में मतलब ग्रामीणों विकास मतलब ग्रामीणों के विकास के लिए ये योजनाओं को अर्थव्यवस्था को
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा, मतलब इसमें अन्य पहलू भी हैं जीवन में प्रवक्ता लाने के लिए, मतलब महिलाओं को गरिमा प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, स्कूलों में सफाई पेयजल व्यवस्था आवश्यकता को ध्यान दिया गया, गाँव में परिवार कल्याण केंद्र, तब जो गांव है वहां पर परिवार केंद्र खोले गए, आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से वहां पर मध्याह्न भोजन व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का भी प्रचार प्रसार किया गया। तब किसी भी गांव के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा वहां पर मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता संबंधी जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ वहाँ पर दूरदर्शन आकाशवाणी की भी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब आज बच्चों को वहाँ पर आकाशवाणी द्वारा और दूरदर्शन द्वारा शिक्षा का भी मतलब प्रचार प्रसार मिल रहा है आज की स्थिति में। फिर है लघु एवं कुटीर उद्योग, किसी भी गांव की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। जो कुटीर एवं लघु छोटे छोटे उद्योग अपने घर पर ही रहकर, जो छोटे छोटे किसान होते हैं वह अपने घर पर ही कुटीर लघु उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सरकारी ने कुटीर एवं लघु उद्योग को अत्यधिक प्रभाव है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए, विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की, उद्योगों की समस्याओं को सुलझाना, अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग बोर्ड, भारतीय कुटीर लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग आदि इसी प्रकार की संस्था की स्थापना की। तब जो संस्था है वहाँ पर उद्योगों की समस्या को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग बोर्ड, भारतीय लघु कुटीर उद्योग, खादी ग्राम उद्योग आदि को वित्तीय व्यवस्था की स्थापना की। वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय लघु उद्योग, मतलब जो वित्तीय सहायता करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। विपणन की सहायता हेतु सरकारी विभागों द्वारा, यहाँ पर विपणन की सहायता हेतु सरकारी विभागों द्वारा उत्पादन की खरीदी सुनिश्चित की गई, मतलब जो वहाँ पर उत्पादन किया गया जाता है तो उनको उचित मूल्य प्राप्त हो, उसको उत्पादन की खरीदी को सुनिश्चित की गई। इसके अतिरिक्त देश विदेश में वहाँ पर मेला प्रदर्शनी आदि का भी आयोजन किया जाता है, मतलब जो ग्रामीण विकास विपणन की सहायता हेतु वहाँ पर जो उत्पादन किए जाते हैं उनकी बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब जो किसान है वो उत्पादन करते हैं तो उनको उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता, तो उनके उचित मूल्य प्राप्त होने के लिए उत्पादन की खरीदी को सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त देश विदेश में मेला प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया जिससे वितरण बढ़ सके। तो वहाँ पर छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से जो उत्पादन होता है उनका मतलब अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके, विपणन हो सके, तो उसके लिए वित्त मेले और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। फिर तकनीकी सहायता के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, मतलब वहाँ गांव के आर्थिक विकास के लिए वहाँ पर रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनकी सहायता के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जिससे लोगों को नई तकनीकी, मतलब खेती के लिए, उद्योगों के लिए नई नई तकनीक की का भी ज्ञान दिया। इस प्रकार उद्योगों को विभिन्न प्रकार से संरक्षण प्रदान करके बड़े उद्योगों से इनकी प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया गया। सरकारी प्रयासों द्वारा गांव में उन्नयन के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब जो सरकारी प्रयास के द्वारा गांव के उन्नयन विकास के लिए अथक प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को आधार मानकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास।
ग्रामीणों के प्रयास मतलब सरकारी प्रयास कि ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु सरकारी उपाय क्या थे ये पढ़ा। अब एक आदर्श गांव की क्या अवधारणा है? तो किसी भी देश की महत्वपूर्ण धरोहर उसकी धरती होती है, उस पर निवास करने वाले लोग होते हैं। भारत की आत्मा उनके गांव में क्या होती है? बस्ती है। एक गांव का देश जिस प्रकार भवन ईंट से मिलकर खड़ा होता है, उसी प्रकार भारत देश एक विशाल गणतंत्र गांवों से मिलकर बना है। और भारत में 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है, भली भांति हम इसे जानते हैं। इतने वर्षों के प्रयास के बाद भी गांव की स्थिति अच्छी नहीं। प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति और भी सुदृढ़ बनाना है। आज कई गांव में अभावग्रस्त हैं, मतलब भारत देश के कई गांव आज भी अभावग्रस्त हैं। देश के अग्रणी बनाने के लिए ग्राम सुधार क्या है? आवश्यक होते हैं। भारत एक समृद्ध, संपन्न और खुशहाल देश होगा, हमें अपने गांव को आदर्श गांव बनाना पड़ेगा। एक आदर्श ग्राम के लिए विकास होना चाहिए। तो एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले जरूरी है विकास। तो विकास के साथ वहां पर आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। तो उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता के प्रति जागरूकता, उपलब्ध संसाधनों को संपूर्ण रूप से प्रयोग होना चाहिए। आदर्श ग्राम के लिए निम्नलिखित हैं ये विशेषताएं। एक आदर्श ग्राम के लिए सबसे पहले है उन्नत कृषि व्यवस्था। तो भारत मतलब एक आदर्श गांव की विशेषता में सबसे पहले उन्नत मतलब कृषि की व्यवस्था उन्नत, नई नई तकनीक सीखना की तकनीकी से कृषि करना चाहिए, मतलब वहाँ विकास करना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। फिर आवासीय सुविधा, आज वहाँ पर गांवों में एक आदर्श गांव के लिए आवासीय सुविधा है, कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के मकानों की व्यवस्था आदि, ये सब एक आदर्श गांव की विशेषता के अंतर्गत आते। तो पेयजल व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे आदर्श गांव में एक पेयजल व्यवस्था, नलकूप, पानी आदि की व्यवस्था, सरकारी जो नल होते हैं वे सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर। फिर स्वास्थ्य संबंधी विशेषताएं, एक आदर्श गांव के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो विशेषताएं तो होती हैं, जिसमें अच्छी एक क्लिनिक हो, एक चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक अच्छा एक हॉस्पिटल अस्पताल हो, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हो। तो एक आदर्श गांव की विशेषता के अंतर्गत वहाँ पे आदर्श गांव में एक हॉस्पिटल हो, चिकित्सा केंद्र हो, शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे नई नई तकनीकियों का विकास हो, वहाँ पर परिवहन सुविधा, वहाँ पर परिवहन सुविधा के लिए सड़क मार्ग अच्छे हों, आवाजाही के लिए कोई समस्या ना हो, एक आदर्श गांव की विशेषता के लिए संचार सुविधा के अंतर्गत वहाँ पे टेलीफोन, डाकघर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऊर्जा एवं पर्यावरण जागरूकता के लिए, ऊर्जा और पर्यावरण के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ऊर्जा के लिए बिजली ऊर्जा से संभव हो सकता है, वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ पर। और ग्रामीण पर्यावरण के लिए प्रति जागरूक होना चाहिए वहाँ के लोगों को। आदर्श गांव के लिए एक सबसे जरूरी है पर्यावरण, वहाँ के लोग जागरूक होंगे तो वहाँ पर अच्छी संभावना पुनः ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर मतलब पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण के प्रति ग्रामीण सक्रिय हो और गांव में हरियाली प्राप्त हो। फिर है औद्योगिक विकास। तो कृषि पर आधारित औद्योगिक विकास होने चाहिए, डेयरी उद्योग आदि, छोटे कुटीर उद्योग का भी वहाँ पर क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ग्रामवासियों के लिए रोजगार भी, मतलब अगर वहाँ पर औद्योगिक विकास होगा तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको क्या होगा? रोजगार प्राप्त होगा और जिससे वहाँ पर आय की वृद्धि हो सके। वे है प्रशासनिक व्यवस्था। तो हमारे गांव में पंचायत व्यवस्था है, पंचायत के सदस्य, सरपंच आदि की व्यवस्था होती है। वहाँ पर प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। वहाँ पे छोटी छोटी आंगनबाड़ी, सहकारी समिति आदि आदि का विकास करना चाहिए। और
शासनिक व्यवस्था में वहाँ वहाँ छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए पूरी तरह स्वच्छ दफ्तर होने चाहिए, जो स्वच्छ हों और स्थायी रूप से उनका मतलब वहाँ पर काम करने की सुविधा हो। फिर वित्तीय सुविधाएं, किसी भी आदर्श गांव की सबसे मुख्य विशेषता है वित्तीय, क्योंकि वित्तीय सुविधा नहीं होगी तो कोई भी कार्य संभव नहीं। ग्रामीण जब वित्तीय सुविधाओं के लिए मुख्यतः साहूकार और महाजनों से क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उनसे मतलब वो ऋण लेते हैं। कई बार उनका मतलब जो वहाँ के महाजन होते हैं उनका शोषण भी करते हैं, और लेकिन वित्तीय सुविधा के लिए वहाँ पर एक आदर्श गांव में ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक की स्थापना होनी चाहिए, बैंक होने चाहिए आदि की सुविधा होना चाहिए, जिससे गांव में स्व सहायता बचत समूह निर्माण का भी प्रति ग्रामीणों को क्या होना चाहिए, रोजगार जागरूक होना चाहिए और बचतों की आदत में वृद्धि करनी चाहिए। स्व सहायता से मतलब सभी लोग एक बचत समूह का निर्माण करें और वहाँ पर प्रति ग्रामीण को जागरूक करने के लिए, बचत की आदत में वृद्धि करने के लिए, उन्हें वृद्धि करने के लिए जागरूक करना चाहिए। एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं हैं बेटा, ये थी उन्नत कृषि व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी विशेषता, शिक्षा व्यवस्था, परिवहन, संचार सुविधा और ऊर्जा एवं पर्यावरण, जागरूकता, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था। एक आदर्श ग्राम की ये क्या है, सारी विशेषताएं हैं। तो पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है ना, तो एक गांव में ये सारी कैसी, एक आदर्श गांव की ये क्या है विशेषताएं हैं। तो एक आपको प्रश्न है बेटा, आदर्श गांव की अवधारणाओं को लिखिए और उनका वर्णन कीजिए, और एक ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु सरकारी उपाय क्या क्या है, इसकी आपको पूरा वर्णन करना है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कॉपी में लिखोगे और याद करोगे, ये आपका होमवर्क। धन्यवाद।